भैया राम राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। यह लाइव प्रस्तुति है एसपी ऑफिस से। कल की घटना, ईसा नगर की जो घटना घटी है, तनुज दुबे के संगे जो मारपीट भई है, तो पहली चीज तो कानून के संगे खिलवाड़ भाव, बहुत बड़ो खिलवाड़ भाव कि थाने में घुस के मारपीट करबो, और दूसरी चीज को कोनो सहयोग ना मिलो। तो जो का कहूँ भैया, नशा का हो, नशा कोनो हो, सबई नशा खराब हो, लेकिन सत्ता को नशा का छू अलग नशा हो। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं बबलू शुक्ला, समर्थन की को है भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी को। इके कारण जो सब हो रहो मचो का है, जो आखिर जब खेतई बारी खान लगे, जब रक्षक भक्षक बन जाए तो जनता को हुई तो का हुई है। इनकी कहानी ये नहीं कि जुबानी सुनवा रहे हम भैया, कल को घटनाक्रम है जो लाइव प्रस्तुति बुंदेली चुगली की। तनुज भैया, कल को घटनाक्रम कैसो का है? का घटनाक्रम परसों को है जो। अच्छा। तो भाव कहा कि हम इतनी छतरपुर में एक जगह बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो अपने दोस्त मोनू जड़ी बूटी है हमारे ईसा नगर के, तो एक ही आदमी है जिसे हम थोड़ी बहुत गाली गलौज से ही बात कर लेते अपने दोस्त में, दोस्ती यारी में हर को कर लेते एक दूसरे से। सो हमने उन्हें फोन लगाओ, बे विधायक जी को हमने भी 3 साल काम करो पूरा काम, और मोनू जड़ी बूटी भी उनके खास हैं, सो हमारे हमारी संगे ले गए तो उनके खास हो गए भी। सो हमने मोनू जड़ी बूटी है तरह फोन लगाओ, हमने जो आई कही भैया तो हमारी सुन नहीं रहे बिल्कुल आजकल, और विधायक जी से बबलू शुक्ला से कह दो, धनंजय से कह दो, हम पे कोनू केसेस लगवा दे। सो तुरंत उनने हमें पता ना तो कि धनंजय के संगे हैं भी, धनंजय ने फोन छीनो और हमें माँ बहन की गाली देने लगे, और कान लगे कि हम गैरवार आ रहे हैं और तुम्हें होता ही देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग है तनक सी की, हम तुम्हें सुनाई दे रहे हैं भाई की जो है भैया रिकॉर्डिंग। अब धनंजय की रिकॉर्डिंग सुनो, धनंजय ने क्या कही है, कैसी धमकी दी, जो सुनो। धनंजय फोन लगा लो, अब 16 फोन लगा लो, घर में दम हो तो मत, केस लगा लो, केस, एक घंटा में आ रहा था ये हर बात, तेरी माँ छोड़े मादर चो, तेरी माँ की चोट मादर चोट। तो ये उनकी तरफ से जा रिकॉर्डिंग जो है, उनने हमसे कही कि तुम्हारी जो भी है हम एक घंटा में गैरवार ईसा नगर आ रहे हैं। सो हम छतरपुर से निकल चले तो परा चौकी लो हम पहुंचे हुई हैं तनक आगे, तो हमारे पापा को फोन आने लगो कि बेटा घरे आ जाओ, 10-15 पुलिस वाले पूरा घर तुम्हें पूछ रहे। पहले हमने सोचो कि भैया हमारे पास कोई FIR तो है नो ही है, हम तो बच्चन है पढ़ाऊ दें फ्री में, हमारे पास हम अपराधी प्रवृत्ति के आदमी भी नो ही है कि हमारे घरे पुलिस आउट जात रहा है। हमारे पिताजी घबराए, तो हमने जाके भैया फोन कर दो, हमने कही कि पुलिस वालों से कह दो कि हम घरे हम थाने ही आए जा रहे हैं, हमने सोची कि धनंजय ने भेजो हुई है घरे हमारी बेइज्जती हो बे, तो इज अच्छो है कि हम जाके थाने चलो जावे। सो हम अकेले थाने पहुंच गए, थाने जब पहुंचे तो 2 पुलिस वाले बैठे रहे थे, एक देवी कुशवाहा और एक होमगार्ड के साहू जी थे, हम उतर जाके बैठ गए। हम बैठे हैं तो थोड़ी देर में एक पिकअप भर के, जो कि विधायक जी की पिकअप है, उतर की महिंद्रा पिकअप दारू कंपनी की उनकी रात है, हमने बाई देख पाई और 10-12 लड़का आए जी में, हम अनीस खान हाँ जाना थे, उनके धनंजय के ड्राइवर हैं और एक गनमैन उनके गजेंद्र यादव। सो पुलिस वालों ने हालांकि खूब कोशिश करी बचावे की, लेकिन उनने लातन ही लातन से हमें कूटता। आज हमें जो समझ ब्राह्मणवाद की बात करवे वाले विधायक जी, एक बामुन हाँ गरीब बामुन हाँ मुसलमानन की लातन से ठुकवा रहे, तो अब काय को ब्राह्मणवाद हो, का ब्राह्मण समाज की तुम रक्षा करवा रहे हमसे। लेकिन हमें जो हकीकत में जो आश्चर्यचकित थे, हमें सोचो ना तो कि धनंजय भैया द्वारा ऐसा करते हमारे संगे हुई है। उनके बाद तुरंत भग गए। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आई, उनने हमसे एक आवेदन लिखवा लो, हम डराने थे को हमारे संगे खड़ो ना तो अकेले थाने में एक आदमी है 15-16 आदमी मिलकर मार जाए, थाने वाले ना बचा पाए। उसके बाद ना हमारा मेडिकल कराओगे ना कछु कराओगे, हमें आवेदन दे दोगे लिख कर लिख दो कि यार थाने में अच्छा ना, ये थाने के बाहर लिख दो, हमने बॉ भी लिख दो। उनने कही कि भैया तुम यार, हमने 2 आदमी जाना था, कह रहे अज्ञात लिख दो, मैंने बा भी लिख दो। हमारे भाई दमखोरी ना आती भाई, ना हमें दम आती, तो हम वापस चले गए और घर जाके रोत पड़ रहे। सवेरे जब हमारे रानी साहब हमारी जो है मम्मा साहब, उनको फोन आओ कि बेटा घबराओ मत, गड़ी परिवार आ तुम्हारे संगे है, तुम ऐसी चिंता ना करो, तुम्हें को मार गाओ तो हम और तुम्हारे संगे हैं। हमारे बड़े साहब भोपाल थे वापस आए जे, इन्होंने हमें हिम्मत दी, फिर जाके फिर हम दोबारा हमारे गांव के पूरे एक एक जन बच्चा के आदमी, पूरे हमारे सब समाज के आदमी हमारे गांव के संगे गए। उनने बोली भैया चिंता ना करो, ऐसी गुंडागर्दी ना चले, आपके संगे हम हुए हैं। फिर हम गए दोबारा, हमने अपना आवेदन दो तो उनकी जो TI साहब की और पुलिस की जो कार्यशैली है ऊपर हमें कहूँ ना कहूँ विश्वास नहीं है। यही कहलाने आज हम SP साहब के पास आए कि हमारी कहीं स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाए। जब हमारे बिना किसी वजह से
हमें पुलिस उते घेर भी आ गई हमारे घरे, तो कल के दिन हमारे संगे कछु भी हो सकत, धनंजय शुक्ला अपने गनमैन या किसी से भी हमारी मृत्यु भी हो सकत, हमें मरवा भी सकत, हमारे परिवार है और हमें उनसे बहुत खतरा है। अबे आपकी मुलाकात थे किसे भाई, एसपी साहब से एडिशनल? हमारी एसपी साहब से मुलाकात भाई पहला, फिर एडिशनल साहब से भाई। आश्वासन एसपी साहब ने कहा है आप एमएलसी कराई जाके, पहले एमएलसी कराने के बाद जहाँ आप इंडिपेंडेंट आप जांच करवाना चाहते हैं तो आपकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाएगी और हम उसमें आपका सहयोग करेंगे पूरा। तो भैया जो है तरुण की कहानी इन्हें खुद ही तनु जी ने बताओ है अपनों को हमारे संगे का घटनाक्रम घटू है, कैसो घटू है। अब देखने वाली बात जा है कि का पुलिस सत्ता पक्ष के दबाव में या विधायक के दबाव में आके न्याय कर पा रही या नहीं कर पा रही, ये देखने वाली बात है। बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति में तय समाप्त कर रहे भैया, फिर कोनू खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया सभी जनन का मई राम राम।